तो इसलिए संगीत के माध्यम से हम निस्वार्थ प्यार भगवान से करते हैं, बनाने वाला है ना, हमारा एक ही काम होता है, एक काम हम करते हैं अनेक काम वो कर देता है। तो इस वो है कारीगर, वो आपके दिल को सुरक्षित रखता है, इसलिए उसे दिलवाला कहा जाता है। इसलिए कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार है, कहावत भी है ना, जगाए मूर्छित प्राण। जी। नहीं तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए क्या कहते हैं, भूत बनाए मुश्किल। हाँ, ये जो इसके शब्द हैं, लिखा मेरे द्वारा ही गया है और विकुल शर्मा जी, उस इंसान को। लेकिन मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं अगली बार आऊंगा, समझे, मैं तुझे फतेह करके छोड़ूंगा, और वही हुआ। तो इंसान का हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता। संगीत एक एहसास है, जीवन एक प्यास है, याद आना उनके आने की एक आस है, याद आना उनके आने की एक आस है। उनके मतलब ये आप जाने, लेकिन मैं अपना अनुभव ये कह सकती हूँ कि याद आना उनके आने की एक आस है, मतलब अगर हम परमात्मा को याद करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसे याद करें और वो आए ना। वो आता है, वो ज़रूर आएगा। जब हम मनुष्य को कभी दिल से याद करते हैं तो वो तुरंत आता है। क्या आपने मुझे याद किया? जी, मैंने आपको याद किया। इसी तरह से सुरसंध्या के इस कार्यक्रम में मैंने आज आपको याद किया। आपका सुरसंध्या कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। और आइए स्वागत करते हैं सुरसंध्या के इस कार्यक्रम में हमारे भ्राता ओम प्रकाश भाई जी। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति। जी, मैंने लास्ट में एक लाइन आपने सुनी होगी शायद, कि याद आना उनके आने की एक आस है। अगर हम भगवान को याद करते जाएं और दिल से याद करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ इंतज़ार भी होता है और फिर प्यार का इजहार भी होता है। ये सब बातें होती हैं जी, लेकिन वही प्यार हमारा अगर भगवान से होता है, और सबसे बड़ी बात है कि प्यार निस्वार्थ प्यार हो, कुछ मांगने वाला प्यार ना हो, कुछ चाहने वाला प्यार ना हो, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो बिना मांगे देता है। जी 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 जी। तो जो बिना मांगे देता है उसे मांगना कैसा। बच्चे को तो वैसे ही बाप से मांगने की जरूरत नहीं होती, कोई दरकार नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसलिए संगीत के माध्यम से हम निस्वार्थ प्यार भगवान से करते हैं, निस्वार्थ प्यार। और जिस वैसे भी एक कहावत है कि जीना है इस जहां में तो इंसान बन के जी, जीना है इस जहां में तो इंसान बन के जी, रुतबा बढ़ा समाज में पहचान बन के जी। क्या बात है, यानी कि अगर देखा जाए तो आप शेर व शायरी में भी आगे हैं। तो पहचान आपकी होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, प्रभु प्रेमी के रूप में होनी चाहिए। जिसको ये कहते हैं कि भगवान के साथ प्यार करने वाला, जो भी कोई आपको देखे उसको आपके नैनों में, आपके चेहरे पर, आपकी सूरत में भगवान की मूरत नजर आए, ये पहचान आपकी होनी चाहिए, उसे प्यार कहते हैं, उसे सच्चा प्यार, याद कहते हैं। जी जी। तो आज हम हमारे सुरसंध्या के कार्यक्रम में कौन सा गीत लेकर आए हैं? तो उसी ही कड़ी में, उसी श्रृंखला में, ये कर ले शिव बाबा से प्यार है ना। बाबा से प्यार, भगवान से प्यार जो है वो अगर करेगा, वो वैसे भी कहते हैं कि तुम भगवान का ध्यान करो और वो तेरा ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा है ना। हमारा एक ही काम होता है, एक काम हम करते हैं अनेक काम वो कर देता है। तो इसलिए कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। कहावत भी है ना जी, कि समुद्र की स्याही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ और धरती जितना कागज बना लो तो भी उसकी महिमा को लिखा नहीं, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये उसके प्यार को हमने, उस सागर के प्यार को हमने इस गीत के माध्यम से गागर में समाने का एक प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस गीत के दौरान जी, आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज।
शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। दैवी दुनिया बनाने वाला, दैवी दुनिया बनाने वाला वो है कारीगर। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। उसने कांटों को फूल बनाया, मानव को देवता बनाया। उसने कांटों को फूल बनाया, मानव को देवता बनाया। मानव को देवता बनाया, मानव को देवता बनाया। वो ही सच्चा है कर्ता, वो ही सच्चा है कर्ता। करण और करावनहार, दैवी दुनिया बनाने वाला, दैवी दुनिया बनाने वाला वो है कारीगर। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। ब्रह्मा से स्थापना कराता, विष्णु से पालना कराता। ब्रह्मा से स्थापना कराता, विष्णु से पालना कराता। विष्णु से पालना कराता, विष्णु से पालना कराता। क्राता शंकर से संहार, क्राता शंकर से संहार। लेता ब्रह्मा तन आधार, दैवी दुनिया बनाने वाला, दैवी दुनिया बनाने वाला वो है कारीगर। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। किया उपकार, गीता ज्ञान देके दूर किया अंधकार। संगम पे आके किया उपकार, गीता ज्ञान देके दूर किया अंधकार। गीता ज्ञान देके दूर किया अंधकार, गीता ज्ञान देके दूर किया अंधकार। छाई है खुशियों की बहार, छाई है खुशियों की बहार। मिला है हमें सत्कर्तार, दैवी दुनिया बनाने वाला, दैवी दुनिया बनाने वाला वो है कारीगर। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। बहुत खूब। कर ले शिव बाबा से प्यार, जिसकी महिमा अपरंपार। ये बात तो सत्य है, किसी से भी प्यार करो, कुछ भी कर लो, जान छिड़क दो, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता सिवाय भगवान, सिवाय भगवान के। एक भगवान ही है, एक भगवान ही है जो दिलों को जोड़ता है, वो आपके दिल को सुरक्षित रखता है, इसलिए उसे दिलवाला कहा जाता है। जी 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 जी। नहीं तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए क्या कहते हैं? नो तो कहते दिल के टुकड़े टुकड़े, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये टुकड़े, दिल टुकड़े टुकड़े करने वाले इंसानों से क्या प्यार करना। मिट्टी से खेलते हो बार बार, किस लिए? इन मिट्टी के खिलौनों से प्यार किस लिए? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, आज हैं कल नहीं। तो प्यार एक से, एक से प्यार। बिल्कुल। आप जिस तरह से ये शिव के गीत लिखते हैं, क्या आपने कभी ऐसे किसी अन्य देवी देवताओं के प्रति भी कुछ ऐसे भक्ति मार्ग के भी कुछ ऐसे गीत लिखे हुए आपने? हाँ, ज्ञान में आने से पहले मुझे गाने का तो शौक था ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं
पहले पंजाबी गायन किया करता था स्टेजेस पर जाना, और आप हैरान होंगे कि शादी विवाह में, बहुत देर पहले की बात है जी, कि शादी विवाह में जो वधु पक्ष होता था जी, उसकी तरफ से एक सिंगर लेके जाते थे कन्या पक्ष की तरफ, जब बारात जाती थी तो उसको सेरे वाला कहते थे। अच्छा। वो सेरा 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 गाता था। और ये बात कब की है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1986, 87, 88 की बात कर रहा हूँ। उन दिनों में पंजाब में हम जाते थे, बरातों के साथ जाते, बरातियों के साथ जाते थे, और लोगों का गा कर मनोरंजन करते थे जी। तो वो मनोरंजन करने के एव्स में हमें पैसे मिलते थे। क्या? क्योंकि आज की दुनिया पैसे के लिए तो काम कर रही है, तभी तो आज का गायन इतना अश्लीलता से भर गया है, फूहड़पने से भर गया है। कारण क्या है? क्योंकि उसका जो एक लक्ष्य है, उसी का जो परिपेक्ष है, वो केवल और केवल पैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु कहते, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आप जब भगवान का धन अर्जित, ज्ञान धन अर्जित कर लेते हो, तो आप संतुष्ट हो जाते। आप जितना खुशहाल इंसान कोई नहीं सकता। हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला गीत कौन सा है, किस राह पे लेने जाने, लेके जाने वाले? हाँ, अभी थोड़ा चलते हैं बाबा की तरफ जी। बाबा की मुरली का गुणगान करते हैं जी। भगवान तेरी मीठी मुरली, सच्ची धुर की वाणी, है ना? पंजाब में कहते हैं, गुरबानी में आता है, सच्ची वाणी आई, धुर की वाणी आई, जिस सभ्य खलक मिटाई। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी धुर की वाणी आई, वहां ऊपर से वाणी आई, जिसने दुनिया का सारा संताप पाप सब मिटा दिया। ऐसी वाणी आई, लेकिन वो वाणी सुनने के भाग्यशाली आत्माएं कौन है? वो हम हैं, हम लोग। तो इसलिए उस वाणी का गुणगान, उस वाणी का गुणगान जो है, हम इस गीत के माध्यम से जरूर सुनेंगे। हाँ। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अगले गीत की तरफ। आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। भगवान तेरी मीठी मुरली, सच्ची धुर की वाणी, भगवान तेरी मीठी मुरली, सच्ची धुर की वाणी, ये संजीवनी बूटी ऐसी जगाए मूर्छित प्राणी, जगाए मूर्छित प्राणी। Thank you.
मधुर है ताने जैसे सुर मंडल की सरगम, सुर मंडल की सरगम। गोप गोपियां नाचे ज्यों ही बजती बीच मधुबन, बजती बीच मधुबन। भाग्य बनाने वाली मुरली ये है महावरदानी, ये है महावरदानी। मीठी मुरली बाबा की, 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 मीठी मुरली बाबा की। ऐसा क्या है इस गीत में, क्या कहना चाहते हैं आप? इस गीत में जो मुख्य बात वो ये है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, वो सहज बात में, बातों बातों में कोई ना समझे, लेकिन गीत के माध्यम से उसको समझ सके। हर जनमानस, साधारण से साधारण इंसान भी इसको समझ लेता है। ये संजीवनी है, ये भाग्य बनाने वाली है। इंसान आज इंसान अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भाग्य है, तुम भाग्य के स्वयं निर्माता हो, तुम्हारे हाथ में ही कर्म की कलम है जिससे तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे। तो इसलिए वो कहते हैं कि इरादा कर वादा ना कर जी, इरादा कर वादा ना कर, ख्वाहिश में जीवन को आधा ना कर। यूं तो लोग कर्मों से बदल लेते हैं दुनिया, किस्मत पे भरोसा ज्यादा ना कर। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए? हाँ, ये है, ये प्रभु मिलन के बाद, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो जब भगवान साथ है, उसके हाथों में हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, क्योंकि वो मेरे हर समय साथ है। तो जब साथ है तो मेरे लिए हर मुश्किल आसान है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। जी 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 जी। तो मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को, मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को, समझे खुदाई रहमत जो हर तूफान को, जो हर तूफान को तोहफा समझता है, हर मुश्किल को वो ये समझता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है, मैंने इस चैलेंज को बीट करना है, ना कि वो घबराता है। क्योंकि दो ही तरीके हैं इस दुनिया में जीने के, फाइट और फ्लाइट या तो भाग जाओ या लड़ो। बिल्कुल अच्छा। तो जो लड़ते हैं वो शूरवीर होते हैं, वो अर्जुन होते हैं, वो अंगद होते हैं। जी जी। और जो भागने वाले होते हैं उनको तो हम उनका नाम नहीं ले सकते जरूर। तो ये गीत, तो इसका म्यूजिक और शब्द आप थोड़ा ये, सा बताएंगे? ये जो इसके शब्द हैं, लिखा मेरे द्वारा ही गया है जी। और विकुल शर्मा जी उन्हीं ने इनका म्यूजिक तैयार किया है। बहुत गीत हैं मेरे जिनका म्यूजिक वो तैयार कर रहे हैं और किया है जी, जी, जो ये सुर संध्या के प्रोग्राम में दर्शकों के लिए हम वो सुंदर सुंदर म्यूजिक गीतों के व्यंजन वो परोसते रहते हैं। बहुत अच्छा। तो चलिए चलते हैं और इस गीत के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को, मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को, सम
खुदाई रहमत जो हर तूफान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को समझे खुदाई रहमत जो हर तूफान को मजबूत बनाए मुश्किल कभी न हारे चाहे घड़ी हो मुश्किल पुख्ता साहस देख के प्रभु हो जाते खुश दिल हिम्मत कभी न हारे चाहे घड़ी हो मुश्किल पुख्ता साहस देख के प्रभु हो जाते खुश दिल बनाए अपना दिलवर जो भगवान को भगवान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को समझे खुदाई रहमत जो हर तूफान को विघ्नों की कश्ती जो बैठा मंजिल पाता डूबा किस्मत का सूरज फिर उदय हो जाता विघ्नों की कश्ती जो बैठा मंजिल पाता डूबा किस्मत का सूरज फिर उदय हो जाता जी हजूर कहता जो प्रभु फरमान को प्रभु फरमान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को समझे खुदाई रहमत जो हर तूफान को की तरह विष का प्याला जो पी जाता अग्नि परीक्षा से सच्ची सीता बन जाता मीरा की तरह विष का प्याला जो पी जाता अग्नि परीक्षा से सच्ची सीता बन जाता कभी नहीं हिलता अंगद समान वो अंगद समान वो मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को मजबूत बनाए मुश्किल उस इंसान को समझे खुदाई नेमत जो हर तूफान को डटे रहना चाहिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई भी समय आ जाए बस डटो और आगे बढ़ो थमके रहो और आगे बढ़ो कहने बस का थोड़ा यही है जी कि शेर के बच्चे की तरह आंख दिखाओ थोड़ा सा अपने आप भाग जाते हैं चूहे जी क्योंकि ये जो परिस्थिति है जो मुसीबत है जो विघ्न है समस्या है ये देखने को शेर लगता है लेकिन होता पेपर टाइगर है बस थोड़ा सा रुक के उसे एक आंख दिखाने की जरूरत है वो धराशायी हो जाता है कहने का अर्थ है कि अपना इरादा बड़ा करो हिलेरी जब वो हिमालय को फतेह करने गया तो वो 5 किलोमीटर रह गया तो वो नहीं पहुंच सका तो उसने हिमालय को कहा देख तेरी ऊंचाई उतनी ही रहेगी लेकिन मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं अगली बार आऊंगा मैं तुझे फतेह करके छोड़ूंगा और वही हुआ तो इंसान का हौसला हो तो क्या नहीं हो सकता बिल्कुल बिल्कुल और आप भी इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में आते रहिए तो बहुत कुछ हो सकता है ना जरूर जरूर आते रहेंगे अच्छे अच्छे नगमे सुनाते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे और सबको हंसाते रहेंगे प्रभु से मिलाते रहेंगे जी जी भाई जी आपने हमारे इस कार्यक्रम में आकर जितने भी संगीत दिए हैं मुझे काफ़ी हद तक जहाँ तक मैं दर्शकों की एक गारंटी ले सकती हूँ कि उनको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो लग ही रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं
आप इसी तरह से हमारे सुसद लेके इस कार्यक्रम में आते रहे और हमारा मनोरंजन करते रहे और भगवान से जोड़ते रहें, और मुझे आशा है कि आप ऐसा ही बिल्कुल जरूर आते रहे। अगली कड़ी में फिर से कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, ओम शांति। शांति। आपने हमारे गीत संगीत सुने और उनको जीवन में लेके आए ताकि आगे बढ़े, जैसे कहा कि मजबूत बनाए मुश्किल हर एक इंसान को। आप डटे रहिए, परिस्थिति आपकी कब तक आएगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छठी बार तो आपसे जीत नहीं सकती ना। इसी तरह से हमारा सुर संध्या भी कभी रुक नहीं सकता। अगली कड़ी में फिर से एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।